किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा देंगे और हर निर्धन को चल दे, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, हो उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, ही प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। यूपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने अपने गृह जनपद रायबरेली में निजी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर भी जमकर कटाक्ष किया है। दिनेश सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सफाई देते हुए कहा है कि इस माध्यम से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी चंदा लिया है। मैं समझता हूं कि टिकट में कहीं देरी नहीं हो रही है। जो प्रक्रिया हम आप सब देख रहे हैं, जो परंपरा हम आप सब पहले से देखते आए हैं, पिछली बार भी रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने 3 अप्रैल को टिकट घोषित किया था और लगभग अभी 3 अप्रैल आने वाला है, तो मैं नहीं समझता कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम कहीं लेट हैं। भारतीय जनता पार्टी समय से निर्णय लेगी और जो रायबरेली के हक में, जो उत्तर प्रदेश के हक में, जो देश के हक में होगा, भारतीय जनता पार्टी वैसा निर्णय समय से लेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।